गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर हैं, अच्छे हैं और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की हो रही है। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, सिमरन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर हैं। तो सेशन में तो पहले सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को शेयर भी कर दें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकें। तो जितना लाइव अगर आप क्लासेस को अटेंड करते हो, उतना ही ज़्यादा जो सेशन है हमारा इंटरेक्टिव रहेगा। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए, गुड जुड़ जाइए। तो आज 1 तारीख हो गई, 1 जून, तो केवल 4 से 5 दिन बचे आप लोगों के एग्जाम में। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है दैट इज सफिशियंट। बस उस पे भरोसा रखिए, जितना भी करा है ना, प्रिपरेशन जितना भी करी है उस पे बस आप लोग यकीन रखें। चलिए, ठीक है, पढ़ रहे हो, ओके, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल थे, और एक क्वेश्चन मैंने शायद आपको दिया भी था, वो मैं यहाँ पे आपको अभी करवा देता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन मैं अगर देता हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर करें। नो मैटर चाहे वो गलत दे रहे हो, सही दे रहे हो, बट एटलीस्ट उसका आंसर करो। यानी कि इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाले। बस एफर्ट्स अगर आप लगाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप लोग घबरा जाओगे ना तो आधी चीज जो कि आपको आती है अच्छे से वो भी आप भूल जाओगे। तो अगर घबरा जाओगे तो जो आता है आपको वो भी आप लोग खराब कर दोगे। हाँ जी, दिसंबर में होगा फिर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना आप लास्ट के कुछ टाइम, क्योंकि क्या होता है बहुत से स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट के कुछ टाइम में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगाने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो जितना पढ़ रखा है दैट इज सफिशियंट, बस रिवाइज करते रहो ऊपर ऊपर से, और एग्जाम में जितना आता है उसको फोकस होके केवल आप कर दो। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, ये वाला। तो किस किस ने क्वेश्चन किया जरा मुझको पहले तो बताएं भाई, और अगर किया है तो इसका क्या आंसर आया? हाँ जी, सबसे पहले तो जो हमारा सेशन है उसको शेयर भी कर दो जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। बताएं इसका क्या आंसर आया। सवाल कह रहा है, अ कजन इज नॉन सिबलिंग विद अ कॉमन एंसेस्टर इफ देर इज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ सिबलिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ कजन इन द ग्रुप इज 1। ऑप्शन नंबर 3, ओके। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3, ओके। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9 होना चाहिए, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ कजन इन द ग्रुप। लेकिन बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो कजन की डेफिनेशन हमें समझाने लग रहा है कि जो कॉमन एंसेस्टर से जो भी हमारे सिबलिंग्स होते हैं दैट आर कजन, वो तो हमको पता है पहले से। लेकिन इफ देयर इज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ सिबलिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, यानी कि वहां पे 5 पर्सन है, देयर आर 5 पर्सन, उन 5 पर्सन में से एक जो पेयर है वो सिबलिंग्स का। सिबलिंग्स क्या होते हैं भाई, सगे भाई बहन या सगे भाई भाई या बहन बहन जो सेम ब्लड ग्रुप में आते हैं, यानी कि जो सगे भाई बहन होते हैं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर जिसको हम बोलेंगे, वो होते हैं हमारे सिबलिंग्स। अब कह रहे हैं 5 में से एक पेयर तो उनका है, तो लेट्स से सिबलिंग्स 1 सिबलिंग 2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, रियल ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर है जो भी है, बट रियल। लेकिन बाकी के जो 3 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, इन 3 के बारे में हमको नहीं पता है। अब सवाल यही कह रहा है कि भाई ये बताइए
जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर है कजन्स के वो हमको बताएं। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ये सिबलिंग्स तो आपस में कजन तो नहीं होंगे क्योंकि वो रियल ब्रदर सिस्टर हैं आपस में, तो ये तो नहीं हो सकते। पहला पॉसिबिलिटी बन सकता है भाई S1P1, क्या S1P1 ये दोनों आपस में कजन्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट S1P2 एंड S1P3 सिमिलरली हम S2 के साथ भी कर सकते हैं, तीन पेयर S2P1 S2P2 एंड S2P3 राइट। हाँ जी, जो सेम पेरेंट्स के ये चिल्ड्रन हैं इसलिए इनको सिबलिंग्स बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अब ये दोनों भी तो आपस में कजन्स हो सकते हैं ना, क्योंकि ये आपस में सिबलिंग्स नहीं हैं, सगे भाई बहन या भाई भाई नहीं हैं। दैट्स वाई P1 P2 भी हो सकता है, P2 P3 भी हो सकता है, और एक और बचा P1 P3 यानी कि कुल मिला के देर आर 9 सच पॉसिबिलिटीज। बीइंग अ कजन देर आर 9 सच पॉसिबिलिटीज, जिस तरह से हम यहाँ पे 5 लोगों के ग्रुप को इस तरह से सजा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये तो था कल का सवाल। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग अपने पेन और कॉपी लेके एकदम से रेडी रहो, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन आज का देने वाला हूँ आपको। गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके। सो द क्वेश्चन इज दिस, टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर। चलिए अब केवल राइट आंसर मुझको बताएं, आइदर इन द कमेंट सेक्शन और इन द पोल। तो प्रीवियस ईयर के सवाल कभी भी छोड़ने नहीं है, उनको कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 ओके, सभी पे टिक लगा है। ओके चलिए अब क्वेश्चन को देख लिया जाए। सवाल हमसे कह रहा है अमीबा आर नोन टू डबल इन 3 मिनट्स, यानी कि जो अमीबा है वो हर 3 मिनट में उनकी जो संख्या है डबल हो जाती है, यानी कि अगर अभी 2 है तो 3 मिनट बाद वो 4 हो जाएंगे, अगले 3 मिनट बाद वो 8 हो जाएंगे, इस तरह से वो डबल होते जाएंगे हर 3 मिनट के अंदर। टू आइडेंटिकल वेसल्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कंटेन 1 and 2 अमीबा टू स्टार्ट विद, यानी कि ये कह रहा है भाई दो वेसल्स हैं, देर आर टू वेसल्स ए एंड बी, और ए के अंदर एक अमीबा है और बी के अंदर देर आर टू अमीबा, राइट।
द वेसल बी गेट्स फिल्ड इन 3 आवर्स, जो बी वेसल है 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। अब ये कह रहा है भाई दोनों जो वेसल्स हैं वो क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम साइज के हैं, दोनों एक जैसे हैं। अगर वेसल बी 3 घंटे में भर जाता है तो पूछ रहा है कि जो ए वेसल है वो कितने देर में भरेगा, यानी कि ये काम करते हैं, हम कहते हैं बी वेसल से काम करो आप, बस 3 मिनट की बात है, 3 मिनट रुक जाओ, 3 मिनट के बाद एक बराबरी से स्टार्ट करेंगे। यानी कि ए को 3 मिनट अगर मैंने दिए तो ए ने क्या करा उस 3 मिनट में, ए ने उस 3 मिनट के अंदर अपने आप को डबल कर लिया। अब मैंने बोला ए और बी से अब दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाओ, अब सेम टाइम पे जब वो स्टार्ट हुए तब इन लोगों ने दोनों ने तब से 3 घंटे तक अपने आप को डबल कर लिया और इसको पूरी तरह से फिल कर दिया। लेकिन बी ने तो 3 घंटे लगाए, लेकिन ए ने ये तो 3 घंटे लगाए ही लगाए, और साथ में वो जो 3 मिनट जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे वो 3 मिनट भी यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि टोटल टाइम विल बी 3 आवर्स एंड 3 मिनट्स। समझ में आया? ऐसा नहीं सोचना है कि भाई एक यहाँ पे है दो यहाँ पे है, ये अगर दो वाला 3 घंटे लगाता है तो एक वाला 6 घंटे लगाएगा, ऐसा नहीं है, वो डबल हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि केवल और केवल 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि डबल होने में केवल 3 ही मिनट लग रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट अप्रोच इसका ये। ठीक है, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई यहाँ पे लिख दो क्रिस्टल क्लियर हो गया है, फिर हम अगले सवाल पे चलते। बिल्कुल, आपका जो आंसर है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का वो आपको ऑप्शंस में ही मिल जाएगा, बस आपको ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप एक बार ऑप्शन पे भी नज़र मार लिया करो, क्योंकि ऑप्शंस हेल्प करते हैं आपको आंसर को क्विक निकालने में। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भाई करिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूँ, तो जरा इसको करिए फटाफट से और फिर बताइए। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है भाई ए बाइज एन कॉपीज ऑफ अ बुक एट 20% डिस्काउंट, यानी कि एक पर्सन ए है उसने एन नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे 20% डिस्काउंट में खरीदी हैं। बी गेट्स द सेम बुक एट 30% डिस्काउंट, यानी कि बी ने क्या किया है 30% डिस्काउंट में सेम किताब को खरीदा है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच बी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ बुक स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए, यानी कि ये कह रहा है कि बी अगर 30% का डिस्काउंट अगर बी को मिलता है तो कितनी वो कम से कम किताबें खरीदे जिससे वो ई के कंपैरिजन में एक ज्यादा किताब खरीद ले। अब देखो मैं यहाँ पे
करके बताता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। आप सभी लोगों को पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज अलॉटेड ऑन द मार्क प्राइस। तो लेट्स से द मार्क प्राइस इज 100। जो किताब का जो लिस्टेड प्राइस है या मार्क प्राइस है दैट इज 100। तो पहले ए जो पर्सन है, ए पर्सन को 20% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो आफ्टर 20% डिस्काउंट कितने में खरीद लेगा किताब? 80 रुपीज़ में। एक आप शॉपिंग मॉल के अंदर गए, उसमें एक आपने 100 रुपये की टैग का एक बुक खरीद उठाया, उस पर लिखा था भाई 20% का डिस्काउंट, तो आपने कितने पे किए होंगे? 80 रुपीज़। एक आपका फ्रेंड है, वो 30% डिस्काउंट में लेके आता सेम बुक को, तो यानी कि उसने 70 रुपीज़ में उस किताब को खरीदा होगा। सिंपल। नाउ हमसे सवाल ये कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच बी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ बुक। यानी कि एन का जो कम से कम मिनिमम क्या वैल्यू होगा जिससे कि बी एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद लेगा एज कम्पेयर टू ए। ए कितनी खरीद रहा है? ए खरीद रहा है एन कॉपीज, एन नंबर ऑफ कॉपीज। बी को कितनी खरीदनी है? एक एक्स्ट्रा कॉपी, यानी कि एन प्लस वन कॉपीज इसको खरीदनी है इन द सेम अमाउंट के अंदर। अब देखो ए कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, एक किताब है 80 रुपये की और खरीद कितनी रहा है? एन कॉपीज। और यहाँ पे इसको पढ़ रही है एक बुक 70 रुपये की और खरीद कितनी रहा है? एन प्लस वन कॉपीज। तो अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए, सवाल में बोल रहा है स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए। अब यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ एन विल बी 7। यानी कि कम से कम 7 बुक ए को खरीदनी पड़ेंगी जिससे कि बी एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद पाए। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, इसको भाई बुक कितने की पड़ रही है? 70 रुपये की पड़ रही है। अगर ये एक बुक खरीदेगा तो 80 की पड़ेगी, इसको 70 की पड़ेगी, यानी कि ये 10 रुपये यहाँ पे बचा ले रहा है। फिर दूसरी किताब खरीदेगा 10 रुपये वहाँ पे बचा लेगा, तीसरी किताब खरीदेगा 10 रुपये वहाँ पे बचा लेगा। ऐसे ही अगर 7 किताब खरीदे जाए तो 70 रुपये बचा लेगा और उन 70 रुपये से ये एक और कॉपी खरीद लेगा, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉपी। तो सवाल ये है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, स्टेप कुछ इस तरह से है। हमसे ये बोला गया एक बुक है उसका मार्क प्राइस मैंने 100 मान लिया है, तो एक पर्सन ए है, इस ए पर्सन को वो किताब आफ्टर 20% डिस्काउंट 80 रुपीज़ की पड़ती है। एक दूसरा पर्सन है बी, उसको सेम किताब यानी कि जिसका मार्क प्राइस 100 है आफ्टर 30% डिस्काउंट कितने की पड़ेगी? 70 रुपीज़ की पड़ेगी। अब सवाल ये है कि कम से कम कितनी किताबें खरीदी जाएं, यानी कि एन का कम से कम क्या वैल्यू हो जिससे कि बी एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद ले, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ बुक्स खरीदेगा तो ये कितनी खरीदेगा? एन प्लस वन, यानी कि एक एक्स्ट्रा बुक एज कम्पेयर टू ए। अब मैंने क्या करा, एक बुक की कीमत से नंबर ऑफ कॉपीज को मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द टोटल अमाउंट। भाई 80 रुपये एक बुक की कीमत है और ये एन नंबर ऑफ बुक्स खरीद रहा है, तो टोटल अमाउंट विल बी 80 एन, और यहाँ पे हो जाएगा 70 × n-1। तो यहाँ से अगर आप एन का वैल्यू निकालोगे यू विल गेट 7, यानी कि कम से कम 7 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, मिनिमम 7 बुक्स इज टू बी सोल्ड। सेवेंटी के साथ एन मैंने लिया है, देखो 70 एन, एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, 70 × n and 70 × 1, समझ गए ना? चलिए ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आज के सारे क्वेश्चन सोचने समझने वाले, थोड़े कैलकुलेशन वाले भी। करिए इसको। What we have to find in this question, सवाल कह रहा है what is the approximate evaporation rate, यानी कि जो evaporation हो रहा है उस pool के अंदर, swimming pool के अंदर, उसका हमको rate बताना है किसमें, meter cube per minute, यानी कि एक minute में कितना volume यहाँ पे evaporate हो रहा है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर थ्री, फोर, ओके। चलो अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत आसान है, बस वही चीज है कि अगर राइट अप्रोच से करोगे, चीजों को समझ के करोगे तो आएगा सही डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर टू बी, ओके। चलिए जरा ध्यान से अब सुनना। A rectangular swimming pool of dimension 20 meter into 10 meter into 2 meter, यानी कि एक rectangular pool है इस तरह का। उसका शेप कैसा है? क्यूबॉइडल शेप है, क्योंकि 3D होगा स्ट्रक्चर। इस तरह का एक पूल है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और उसकी जो हाइट है दैट इज 2 मीटर। हैज एन इनलेट विद अ फ्लो रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि एक इनलेट पाइप लगा है। वो पाइप क्या करता है, इसको इनलेट का मतलब होता है पानी जो कि इस पूल को भरेगा, जो कि अंदर की तरह पानी भरेगा, दैट इज कॉल्ड इनलेट पाइप। उसका जो रेट है दैट इज 1 मीटर क्यूब पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि हर एक मिनट में 1 मीटर क्यूब का पानी भरेगा, ये इसका फ्लो रेट है, यानी कि हर एक मिनट में 1 मीटर क्यूब पानी भर रहा है। इफ द एम्प्टी पूल टेक्स 10 आवर्स टाइम टू गेट कंप्लीटली फिल्ड विद अ लीकेज रेट ऑफ 0.13 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इस पूल को पूरी तरह से, ये पूल खाली है, उस पूल को पूरी तरह से भरने में मुझे 10 घंटे लगते हैं। कितने के रेट से? 1 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि भाई पूल कहीं से साइड से थोड़ा सा टूटा होगा। उस पूल के टूटने की वजह से जो पानी है कॉन्स्टेंटली बाहर भी जा रहा है। जिस समय तक 10 घंटे तक अगर पानी भरा जा रहा है तो 10 घंटे पानी लगातार बाहर भी जा रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ फ्लो है बाहर जाने का वो थोड़ा सा कम है। कितना है? 0.13। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इफेक्टिव रेट, यानी कि क्या वो इफेक्टिव रेट है जिससे वो पूल भरा जा रहा है, भाई इफेक्टिव रेट क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इनलेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इनलेट, यानी कि जो पानी भरने का जो इफेक्टिव रेट है वो क्या है? भाई 1 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से वो भरा जा रहा है, लेकिन 0.13 के रेट से पानी बाहर भी आ जा रहा है सेम एक मिनट में। तो यानी कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेट? दैट विल बी 0.87 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इतने के रेट से पानी भरा जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक जग के अंदर 2 लीटर पानी डाल दे रहा हूँ और 1 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो हो क्या रहा है उसके अंदर 1 लीटर पानी तो बचेगा। हर एक मिनट में मैं ऐसा कर रहा हूँ, यानी कि ओवरऑल जो रेट है दैट इज 0.87 मीटर क्यूब पर मिनट। ये समझ में आता है? नाउ अब जरा ध्यान से सुनना, इस रेट से पानी एक्चुअल में भरा जा रहा है,
लेकिन अभी भी यहाँ पे साथ ही साथ क्या हो रहा है, उस 10 घंटे में पानी साथ ही साथ जो पूल में डाला जा रहा है वो साथ में इवेपोरेट भी होता जाएगा। अब कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है वो हम कैसे निकालें, जरा ध्यान से सुनना। यानी कि 0.87 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से पानी अंदर भरा जा रहा है। तो अगर 10 घंटे तक मैं ऐसा करूं तो 10 घंटे में कितना वॉल्यूम पानी भरा जाएगा। अब देखो, वॉटर गेट्स फिल्ड इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कितना पानी भरा गया भाई, 1 मिनट में भरा जा रहा है 0.87 मीटर क्यूब पानी। ये हर एक मिनट का है ना, 1 मिनट में भरा जा रहा है 0.87 मीटर क्यूब पानी। तो 10 घंटे में कितना भरा जाएगा, 10 घंटे का मतलब 10 × 60 यानी कि 600 मिनट। तो 600 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, दिस विल बी 87 × 6 यानी कि 5 to 8 मीटर क्यूब, क्योंकि 10 मिनट में उस पूल को भर दे रहा है। तो 10 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 528 मीटर क्यूब। अब जरा बताओ मुझे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्विमिंग पूल। वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल कितना है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच यानी कि 400 मीटर क्यूब। भाई 10 घंटे में 528 मीटर क्यूब पानी, एक सेकेंड दिख रहा है क्या, 10 घंटे में 528 मीटर क्यूब पानी भर दिया गया, लेकिन उस पूल का वॉल्यूम तो इतना ही है, तो बाकी का पानी कहाँ गया, बाकी का पानी कहाँ गया भाई, इवेपोरेट हो गया होगा, वही हमसे पूछ रहा है। इवेपोरेशन वॉल्यूम, इवेपोरेशन वॉल्यूम कितना है भाई, 528 मीटर क्यूब पानी भरा गया लेकिन पूल का वॉल्यूम तो इतना ही था, बाकी का पानी कहाँ चला गया, बाकी का 128 मीटर क्यूब पानी इवेपोरेट हो गया। अब हमको निकालना है व्हाट इज द इवेपोरेशन रेट। बहुत आसान है भाई, हर 10 घंटे में, 10 घंटे में इतना पानी इवेपोरेट हो गया, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन देखो जरा, 128 मीटर क्यूब है और 10 घंटे में हुआ है, तो 10 घंटे का मतलब क्या, 10 घंटे का मतलब 600 मिनट। तो व्हाट इज द रेट निकाल लो यहां से, 2 से करा तो 300 बार, 2 से करे तो 32। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको छोड़ो, कैलकुलेशन जरा ढंग से करना है, थोड़ा करिए जरा, 64 / 3 करिए केवल, यानी कि दिस विल बी 2.1 समथिंग आएगा ना, अगर आप इसको करोगे यू विल गेट 0.2 करके समथिंग आएगा, 0.21 करके ऐसे ही कुछ समथिंग आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2.0 भी लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.20 समथिंग, 0.27 नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे यू विल गेट द राइट आंसर एज 0.213 करके ऐसा कुछ आएगा, लेकिन अगर राउंड ऑफ करोगे 2 डिजिट तक यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ऐसा कैलकुलेशन नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको कैलकुलेशन लगे। हाँ 0.213 करके ऐसे कुछ आएगा ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इज इट क्रिस्टल क्लियर। देखो सवाल में समय तो यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा लग जाएगा, इसको थोड़ा सा सोचने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के अगर क्वेश्चन करोगे ना तो उस लेवल के क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये था सवाल और ये आया हुआ है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, जून 2022। चलिए, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
चलिए इस क्वेश्चन को करें और मुझे बताएं। टेक योर टाइम। फॉर दिस सिमरन यू हैव टू प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ सफिशियंट क्वेश्चंस की डेली, क्योंकि ऐसा पता करना कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा यहाँ पे टॉपिक यानी कि कौन सा क्या लॉजिक लग रहा है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। क्योंकि ठीक है, बहुत कम प्रैक्टिस से कुछ सर्टेन क्वेश्चंस करके ऐसा हम मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। हमेशा से मैं सेशन में यही बोलता हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। बताएं भाई व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आज एक से एक अच्छे हैं। क्या पूछ रहा है? देखो एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो उसके ऊपर एक सवाल कह रहा है, अ केक इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड द बेस रेडियस r। तो एक कोन बना लेते हैं इस तरह से, दिस इज अ कोन जिसका बेस सर्कुलर होगा और हाइट उसकी h है। द हाइट of that cone is h and the base radius is r, उसका base radius है वो कितना है r, is to be cut parallel to the base के parallel उसको कहीं से काटा गया है। मान लेते हैं इसको यहाँ से, इसको बीचों बीच से, में बीचों बीच से तो नहीं, कहीं से भी काटा गया, अब हमको नहीं पता कहाँ से काटा गया है। At what distance from the top should the cake be cut to get two parts of equal volume? हमको क्या करना है, दो इक्वल वॉल्यूम के पार्ट्स चाहिए, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है जो काटा है हमने, ये जो पार्ट वन है और जो नीचे वाला जो पार्ट है पार्ट टू, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। और हमसे ये पूछा है टॉप से उसको कितनी हाइट से काटा गया है, यानी कि जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको मगर एक्स मान लूँ तो बताइए हाइट क्या होगी, व्हाट शुड बी दैट हाइट। ओके ऑप्शन नंबर वन आ रहा है आंसर। चलिए अभी देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, वॉल्यूम शुड बी सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो यानी कि पूरा जो हमारा कोन है, पूरा अगर हमारा कोन है उसका आधा वॉल्यूम इसका होगा, उसका हाफ वॉल्यूम इसका होगा, हाँ या ना। हम दो कोन लेके चलेंगे, एक बड़ा वाला कोन और एक छोटा वाला कोन, ये वाला। तो यानी कि इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, छोटे वाले कोन का जो वॉल्यूम होगा, दैट इज 1/3 पाई, लेट से द रेडियस ऑफ दिस कोन इज आर वन। छोटे वाले कोन की जो रेडियस है उसको मैं आर वन मान लेता हूँ। दिस विल बी 1/3 पाई आर वन स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी है एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, 1/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वाला जो कोन है उसका आधा ही तो होगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि दोनों पार्ट ये इक्वल है। 1/2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई
रेडियस इज आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच. तो यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट अगर इसको करूंगा मैं 1/3 pi 1/3 pi वी विल गेट द रिलेशन. 2 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यू विल गेट 2 r1 square x दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एच. अब जरा ध्यान से देखो, हमको निकालना है ये हाइट, x का वैल्यू निकालना है. तो अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है दिस विल बी आर स्क्वायर एच अपॉन 2 r1 square. अच्छा, मैंने क्लास में बहुत बार बताया होगा आप लोगों को कि भाई व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल. सिमिलर ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी. जैसे कि देखो क्या, जैसे कि ये अगर एक कोन है या एक ट्राइंगल मान लो, ठीक है, और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है और इसको दो पार्ट में बांटा है. तो ये एक ये ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. यानी कि अगर मैं कहूँगा भाई ये x है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट और ये y है और ये पूरी हाइट अगर a है और ये जो वैल्यू है दिस इज b, तो ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि x अपॉन a दैट विल बी इक्वल टू y अपॉन b. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. समझ में आता है? यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाने वाले हैं जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. इसकी हाइट कितनी है छोटे वाले ट्राइंगल की, लेट्स से इट इज ए बी सी डी एंड ई. इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे तो जो ए बी है, ए बी इज एक्स अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की जो हाइट है दैट इज एच, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर रख देंगे. राइट, रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो अब देखो, अब छोटे वाले ट्राइंगल के जो बेस है दैट इज आर वन अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है दैट विल बी आर. तो ये यहाँ से हमने निकाल लिया. अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वी विल सॉल्व एंड वी विल गेट द आंसर. देखो मैं क्या करता हूँ, आर वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ. सो दिस विल बी आर टू अपॉन आर टू एच टू एंड आर वन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा. यहाँ से अगर मैं आर वन का वैल्यू निकालूँ यू विल गेट आर एक्स अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल गेट आर एक्स अपॉन एच. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दिस विल बी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा है? नाउ इसको कैलकुलेट करें, बट यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ऊपर जाएगा एच स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एच क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड अपॉन में आएगा 2x square. अगर एक्स स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा वी विल गेट एक्स क्यूब एंड एच क्यूब अपॉन 2. तो दिस विल बी x इज इक्वल टू यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, पावर 1/3, 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गेट h, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, लाइक दैट. जस्ट अ सेकेंड, यू विल गेट x इज इक्वल टू एच अपॉन 2 to the power 1/3. तो ये आपका फाइनल हाइट होगा जो आपसे पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर. तो देखो इस तरह से करना है, ठीक है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उनको रीजनिंग वाला जो पार्ट है, रीजनिंग वाले पार्ट में थोड़ा सा आसानी रहती है और उसको करने में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है. बट जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है उसमें थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना है. हालांकि वहाँ पे आपको 20 में से केवल 15 ही क्वेश्चंस करने. ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर कह रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो
ना करें, वो रीजनिंग वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान दें। तो वही जो बेसिक चीजें हैं जो आपने कभी ना कभी पहले पढ़ी होंगी पहले छोटी क्लासेस में, वही यहाँ पे यूज हो रही है कि जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स है उसकी प्रॉपर्टीज यूज हो गई। डायरेक्टली नहीं पूछेगा लेकिन इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तो यानी कि वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके ठीक है, सो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब आ गया रीजनिंग वाला पार्ट, करें इसको। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर वन, ओके। देर आर सम पर्सन्स, एन नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, एक राउंड टेबल के अराउंड बैठे हैं एन नंबर ऑफ पर्सन्स, तो उनके बारे में लाइज और नॉन लायर और नॉन लायर के बीच में बात हो रही है। चलिए देखो, हमसे कह रहा है अ लायर ऑलवेज लाइज एंड नॉन लायर नेवर, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज है कि जो लायर है हमेशा झूठ बोलेगा हर हाल में, और जो नॉन लायर है जो झूठ नहीं बोलता वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, यानी को सच बोलेगा। तो कंडीशन क्वेश्चन की कुछ ऐसी है। अब देखो, इफ इन अ ग्रुप ऑफ एन पर्सन देर आर एन पर्सन इन द ग्रुप सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, Everyone calls his oblique her left neighbor a liar. यानी कि एक राउंड टेबल में, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ n नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। अब ये कह रहे हैं हर एक पर्सन जो उसके लेफ्ट में बैठा हुआ पर्सन है उसको हमेशा लायर बोलता है, कहता कि वो क्या है, एक लायर है। अब वो लायर भी बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई पर्सन अगर लायर है वो बोल रहा है कि भाई बगल वाला पर्सन क्या है, लायर है। तो अगर लायर बोलेगा कि बगल वाला पर्सन लायर है, इसका मतलब वो गलत बोल रहा होगा, यानी कि बगल वाला पर्सन क्या होगा फिर, वो ट्रुथ बोलने वाला पर्सन होगा। इस चीज का ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे क्योंकि एन नंबर ऑफ पर्सन से हमको क्या पता है इनका वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन ही हमको हेल्प करेंगे करने में। ऑल आर लायर्स, सारे के सारे लायर्स हैं भाई, इसको छोड़ो अभी, इसको करो। एन मस्ट बी इवन एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज अ लायर। एन क्या है, कह रहा है एन का जो वैल्यू है नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इवन नंबर में होंगे। एक कोई भी इवन नंबर मान लेते हैं, चार लोग मान लेते हैं, देयर आर फोर पर्सन कुछ इस तरह से, एक दो तीन चार, सेंटर की तरफ देख रहे हैं टेबल में। अब कह रहा है कि एवरी अल्टरनेट पर्सन इज लायर, हर एक जो अल्टरनेट पर्सन है वो एक लायर है, ये एक लायर है फिर ट्रुथ बोलने वाला होगा, और ये लायर होगा फिर ट्रुथ बोलने वाला होगा। इस तरह से अल्टरनेट पर्सन क्या हो गए, लायर हो गए। अब जरा ध्यान से देखें। अब ये कह रहा है कि हर लेफ्ट में बैठा हुआ पर्सन को हर एक पर्सन कहता है कि वो क्या, एक लायर है। अगर ये पर्सन, ये लायर वाला पर्सन बोलेगा कि भाई ये जो पर्सन इधर बैठा है वो क्या है, वो एक लायर है। अब लायर बोलेगा तो हमेशा गलत ही बोलेगा,
तो कहेगा अगर लेफ्ट वाला पर्सन का लायर है तो ऑब्वियसली फिर उसका उल्टा ही होगा, क्या होगा फिर, ट्रुथ बोलने वाला होगा, और ऐसा है भी, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रुथ बोलने वाला पर्सन हमेशा तो सच बोलेगा ही, अब इसके लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है वो लायर है, हर एक पर्सन ऐसा कहता है, तो इसके लेफ्ट में बैठा पर्सन लायर है भी, ये भी तो बिल्कुल ठीक है। अब ये पर्सन बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में बैठा पर्सन लायर है, अब लायर तो हमेशा लाई बोलेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर ट्रुथ हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये बिल्कुल एकदम वैलिड है और सस्टेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इज इट क्लियर? तो ऑप्शनल मेथड इस तरह के क्वेश्चन में बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है उसको देख लेते हैं। एन मस्ट बी ऑड, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि देयर आर 3 पर्सन जो कि एक ऑड नंबर है। एन मस्ट बी ऑड एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज अ लायर। ऑड नंबर के केस में कभी भी अल्टरनेट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर अल्टरनेट पर्सन लायर करोगे तो लायर फिर ट्रुथ और फिर लायर, तो ये तो अल्टरनेट होगा नहीं, यहाँ पे तो अल्टरनेट आई नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, जस्ट नेक्स्ट हो गया। तो यानी कि ये वाला कंडीशन इसीलिए गलत है क्योंकि ऑड के केस में कभी भी अल्टरनेट लायर बनेगा ही नहीं, राइट, एंड शुड बी इवन। तो ये हो गया। एन मस्ट बी अ प्राइम नंबर, एन एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अभी मैंने आपको 3 का एग्जाम्पल लेके दिखाया, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर ही तो है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर लायर, सारे के सारे झूठे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ले लो, कितने भी नंबर ऑफ पर्सन ले लो, सभी को लायर बना दो। अगर ये वाला लायर बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में बैठा पर्सन लायर है, तो लायर तो झूठ बोलेगा, इसका मतलब लेफ्ट में बैठा पर्सन फिर क्या होना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, तो लेकिन ये तो लायर है भाई, ये तो कभी सही हो ही नहीं पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। सो अप्लाई द ऑप्शनल मेथड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल दो एग्जाम भाई, 70% अगर प्रिपरेशन है, 50% है, तो एग्जाम देने से आपको हेल्प ही मिलेगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। 70% प्रिपरेशन है तो पूरी तरह से आप उस 70% पे फोकस करो और एग्जाम अच्छे से दो। जो छूट गया है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एग्जाम में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, 70% से आप बाकी का जो पार्ट है उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना परसेंटेज मत निकालिए अभी इस समय कि भाई मैंने कितना पार्ट पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, बट जो भी पढ़ाया वो अगर उससे सवाल आए, फिर अगर आप उसको छोड़ते हो तब दिक्कत की बात है। जो पढ़ रखा है अगर उससे क्वेश्चन आने पे छोड़ते हो, दैट इज नॉट गुड, लेकिन जितना किया है दैट इज सफिशियंट इस समय, बाकी आगे मेहनत कर लेना वो बात की बात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। चलिए करिए आंसर इसका। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमसे सवाल कह रहा है विच ऑफ द टू टीम्स हैव सर्टेनली नॉट प्लेड विद ईच अदर, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी 2 टीमें आपस में किसी भी हाल में, यानी कि सर्टेन है हम उस बारे में कि वो खेले ही नहीं, आर नॉट प्लेड विद ईच अदर।
इस तरह के सवालों को अगर ऑप्शन से देखोगे ना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। ओके चलो ऑप्शन नंबर डी को ही पहले देख लेते हैं। कह रहे हो आप बी और ई e नहीं खेले, बी ये है, ई e ये है। बी और ई e अगर खेले ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों की विन कितनी है, जीरो, दोनों की विन जीरो है और दोनों लूज कर रहे हैं, ठीक है भाई, एकदम ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि अगर बी और ई e ने अगर एक मैच खेला भी होता तो इसका मतलब बी और ई e, अगर दो अच्छी से अच्छी टीम खेल लें, चाहे खराब से खराब टीम भी अगर खेल लें, तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा ना, या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, ठीक है। यानी कि बी और ई e का अगर मैच होगा तो बी और ई e में से कम एक टीम तो ऐसी होगी ना जो जीती होगी, ऑब्वियस ही बात है। अगर इन दोनों में से कोई एक टीम अगर जीती होती तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू होती, विन वाले में दोनों का क्या है भाई, जीरो जीरो है। यानी कि ये लोग क्या करें, सारे के सारे मैच हारे हैं। तो इन दोनों का अगर मैच होता तो ये एक ना एक कोई मैच जीतता, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं वन आता, इसलिए बी और ई का मैच हुआ ही नहीं होगा, दैट्स वाई यहाँ पे दोनों जगह जीरो है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। राइट right. जो जीतेंगे ही नहीं वो राउंड राउंड में कैसे खेल सकते हैं? जी ये लोग क्या है, सारे के सारे चार के चार मैच ये लोग हार चुके हैं, दैट्स वाई बी और ई किसी भी सर्टेनली इस तरह से यहाँ पे नहीं, एक भी इनका विन हुआ है, दैट्स वाई बी और ई तो सर्टेनली नहीं होगा। चलिए सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसका आंसर करें, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, सारे के सारे पी वाई क्यूज है जो लेटेस्ट आए हैं पिछले एक दो साल में। चलिए इस क्वेश्चन पे करिए, क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर फोर डी, ओके ठीक है, और बताएं भाई। देखो ये क्वेश्चन है हमारा बेसिक साइंस का ये सवाल है। अगर आपको इन की पोजीशंस पता है कि भाई इक्वेटर कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लाई करता है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे लाई करता है, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। सवाल यह है कि थ्री स्ट्रिप्स ऑफ 10 मीटर विड्थ ईच आर प्लेस अलोंग द इक्वेटर A1, इक्वेटर को A1 बोला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर A2 एंड आर्कटिक सर्किल A3 रेस्पेक्टिवली। द रिलेशनशिप अमंग अस द एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज व्हाट। यानी कि एक ग्लोब है, उस ग्लोब में क्या करा है, एक 10 मीटर चौड़ाई का विड्थ का एक हमने स्ट्रिप लगाया है। स्ट्रिप कहाँ कहाँ लगाया है, इक्वेटर पे लगाया है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लगाया है और एज वेल एज आर्कटिक सर्किल पे लगाया है। कैसे? कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक सेकंड, तो यानी कि तीन अलग अलग जगह पे लगाया है एक ग्लोब के अंदर। तो ये देखिए, तो इनका जो पोजीशन है वो पहले एक बार देख लें। व्हाट इज द पोजीशन? आर्कटिक सर्किल कहां पे होगा भाई? यहां पे होगा, इस एरिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे होगा? इस जगह होगा। इक्वेटर कहां पे होगा? यहां पे होगा, 0 डिग्री। अब 10 मीटर चौड़ाई का जो चौड़ाई है इसकी, ये 10 मीटर है। हर एक स्ट्रिप के लिए सेम चौड़ाई है। अब ये बताना है कि सबसे बड़ा एरिया किसका, फिर उससे छोटा एरिया किसका, और सबसे और छोटा एरिया किसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ये बेसिक साइंस से सवाल आया है। देखो, इक्वेटर का जो एरिया होगा, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इक्वेटर में देखो जो रेडियस होगी ना, ये जो रेडियस है वो सबसे बड़ी होगी। अगर रेडियस सबसे बड़ी होगी तो उस स्ट्रिप का सर्कमफेरेंस, उस स्ट्रिप का सर्कमफेरेंस भी सबसे बड़ा होगा, इसलिए वो स्ट्रिप सबसे लंबी होगी। इसलिए उसका जो एरिया है, दैट इज ए वन, वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसकी रेडियस इस वाले से छोटी होगी, और आर्कटिक सर्कल यहाँ पे उसका रेडियस सबसे छोटा होगा, यानी कि इसका एरिया सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ए टू का, और उसके बाद ए थ्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, लाइक दैट। ठीक है, हाँ, ये 3 PM पे आपका यही क्लास जाता है हर एक चैनल पे, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, हर एक जगह। तो आपको लाइव क्लास यहीं पे मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड चैनल पे IPS के। तो यहाँ पे अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो यहाँ पे 11 बजे सुबह लाइव रहता है, ठीक है। तो ये सवाल था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। तो ये तो था हमारा इस तरह का सवाल। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपको अगर केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा प्यार है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये केमिस्ट्री का है, पीरियडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बेस सवाल। ऐसे देखने से आपको लगेगा कि भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कि रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किस चीज़ का सवाल है, केमिस्ट्री का है, क्या है। तो अगर ध्यान से देखोगे तब आप इसको कर पाओगे। तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो कल मिलते हैं 11 बजे। तो मुझे तो बस ये कहता हूं कि आप लोग लाइव देखा करो, दैट इज मोर इंटरेक्टिव और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे वो। चलें, थैंक यू।